नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। कुरवई नगर परिषद कुरवई में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती आयशा हशरुद्दीन खान एवं उपाध्यक्ष इरफान काजी ने अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य मोहर सिंह दांगी, रोशन पिपरिया, रानी रामप्रसाद अहिरवार, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद हसरुद्दीन खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरजेश साहू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मजाज मोहम्मद, पार्षदगण, अनेक गणमान्य नागरिक, नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं कि नगर का विकास किस तरीके से होगा और इसको किस तरह आगे बढ़ाएंगे? मेरी सोच ये है कि नगर का विकास, जैसे कि 5 साल में पूर्व अध्यक्ष श्री हसरुद्दीन खान जी ने जो विकास नगर परिषद के साथ जो किया काम किए, उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम और नगर का विकास करेंगे। नई उम्मीद और नई सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे सबको लेके। बस स्टैंड पर ठेले वगैरह से एक अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या है कुरवाई में, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जी। उसके विषय में आपका क्या कहना है? इसके विषय में अभी ये जो परिषद अपनी जो टाइम खत्म हो गया था, अब इंशाल्लाह आगे जो है सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि बस स्टैंड दूसरी जगह जो शिफ्ट करना है वो करेंगे और हर बस्ती में अपनी अच्छी सर्विस देंगे, दिलवाएंगे कर्मचारियों का सहयोग के साथ, बिल्कुल मिलके काम करेंगे। कुछ नई कॉलोनियां बनी हुई हैं जिनमें नाली और लाइट की एक बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ पर वहाँ के लोग बराबर टैक्स भी जमा करते हैं नगर परिषद को, वहाँ पर विकास का कोई योजना है क्या भविष्य में? वहाँ की योजना अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ करेंगे, क्योंकि अपन को बहुत अच्छा काम करना है। जो पहले काम हो जाए उससे डबल काम करना है और नगर का नाम रोशन करना है, परिषद का नाम रोशन करना है। कुरवई से कुलदीप सिंह रायकवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.